शहर का जाना माना मूनस्टार ग्लोबल स्कूल शुरू कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग। मान्यता प्राप्त मूनस्टार ग्लोबल स्कूल का सिलेबस CBSE बोर्ड आधारित है और यहाँ एकेडमिक समेत करिकुलम एक्टिविटीज पर काफी जोर दिया जाता है, खासकर स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया जाता है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो 30:1 है। टीचर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्ष 2020-21 की पढ़ाई 10 जून से ऑनलाइन लेक्चर के जरिए शुरू हो जाएगी। एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खारघर में सोसाइटी का कम्युनिटी हॉल और मदरसा तोड़ने पहुंची बिल्डर के पक्ष में पुलिस। विवाद के चलते खारघर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI विवादों के घेरे में। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नवी मुंबई के खारघर परिसर में सेक्टर 35F में रूबी बिल्डिंग है। इस रूबी बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट का काम कुछ वर्षों पर पहले एक बिल्डर ने लिया था, मगर इतने लंबे समय में भी उसने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते फ्लैट धारकों ने अपने फ्लैट वापस ले लिए। 26 जून शनिवार को सुबह 11-12 बजे के करीब खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप ताइडर के साथ बिल्डर पहुंचा। वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त लेकर इस रूबी बिल्डिंग में इन निवासियों ने एक कम्युनिटी हॉल बना रखा है, जहां पर सोसाइटी के सभी तरह के कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। काफ़ी विवाद हुआ, मदरसा भी है इसी कम्युनिटी हॉल में जो चलाया जाता है, जिसको लेकर के सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया कि पैंडेमिक में किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई न करने के आदेश निर्देश होने के बावजूद, उच्च न्यायालय के उस तरह के निर्देश होने के बावजूद कैसे ये कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ बगैर किसी नोटिस के ऐसे आप सीधे आकर के कैसा इस कम्युनिटी हॉल और मदरसे का निर्माण कार्य तोड़ सकते हैं। उनके वकील जिया सैयद भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी पुलिस से बातचीत की। बहरहाल पूरा विवाद जब हुआ, उस वक्त के वीडियोज और क्या मामला है, इसका पूरा स्पष्टीकरण एडवोकेट जिया सैयद ने दिया, वो पूरा हम आपको बता रहे हैं। इस विवाद के चलते खारघर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI प्रदीप ताइडर जो है वो अब विवादों में आ चुके हैं। कैसे वो पैंडेमिक में नियमों का पालन न करते हुए भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ जो है अपने पुलिस कर्मचारियों की जान को दांव पर लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए यहाँ पर कैसे कार्रवाई में पहुँच गए, ऐसे सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। उनके पास कंसर्न आ चुका था, एग्रीमेंट भी हुए थे, साइन भी हुए थे, मगर बिल्डर की नियत यहाँ पर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर 2017 में लेके आज 3 साल हो गया है, इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने आज तक उसमें एक ईंट भी नहीं हिलाया हुआ है, ये इसमें आने 3 साल हो गया है। जब इन्होंने देखा 3 साल तक कुछ हरकत नहीं हो रही है, मेंबर फिर परेशान होने लगे, लोग बाहर रेंट पे रहने लगे, अपने जेब से रेंट देने लगे थे ये लोग। बिल्डर कोई किसी को रेंट नहीं दे रहा था, बिल्डर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बिल्डर का कोई सपोर्ट नहीं, करस्पॉन्डेंट फोन लगा और रिंग होता और लोग उसमें रह रहे ना, लोग तो रह रहे उसमें, अभी भी उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, उसके अंदर घर भी तोड़े रहते हैं इलीगली तरीके से, किसी का घर भी तोड़ा है क्या? हाँ, उसके अंदर उसने क्या किया, कुछ 5-6 फ्लैट उसने तोड़ भी दिया था, ये दिखाने के लिए, मैं बिल्डिंग बनाने के लिए दिखाने के लिए, ये 3 साल पहले ही एक्टिविटी की थी उसने, बस वो बिल्डिंग फ्लैट तोड़ने के बाद भी उसने कुछ एक्टिविटी नहीं किया। आज तक उसने कोई प्लान शेयर नहीं किया, ना कोई एग्रीमेंट शेयर किया, ना कोई रूट प्लान, रूट मैप जो बिल्डिंग बनाने का कुछ भी शेयर नहीं किया। 3 साल तक अभी तक मैं खड़ा हूँ, क्योंकि उसमें मैं डे वन जो 2016 से मैं कंटिन्यूसली फॉलो पे हूँ, मुझे सोसाइटी मेंबर मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैंने अभी नोटिस भी भेजा है उसको, टर्मिनेशन का सब कुछ दिया है, उसने कोई बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं किया है। अभी वो दादागिरी करके क्या दिखाना चाहता है कि मैं बोल, अभी हम खारघर पुलिस स्टेशन में आए, हमने कंप्लेन डाला तार करके उनका सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हमने उनको बताया ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है इलीगल है, तो तीता साहब कहना है कि ये बिल्कुल सही है, तुम्हारा कुछ नहीं है ऐसा उनका। आपको नोटिस दिया क्या? अभी ये जो टर्म जो मैं आगे बोलता हूँ, जिसमें ना कॉरपोरेशन इन्वॉल्व है, ना सिटको इन्वॉल्व है, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कोई अथॉरिटी को कंप्लेंट है, ये लोग फिर भी उसके बावजूद डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा,
जो तोड़ना है वो तोड़ सकता है। सिविल मैटर में पुलिस सिविल मैटर में बिना नोटिस के पुलिस इंटरेस्ट आ सकती है। मैटर में उनका इंटरफेरेंस आ रहा है, डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं पर्सनली मीटिंग में बैठा था, जिसके अंदर अब्दुल साजिद था, उसके साथ कोई और था, इधर पे सोशल वर्कर साजिद पटेल थे और एक सोसाइटी का मेंबर इमरान खान भी था और मैं भी था, हम 5-6 लोग अंदर थे। सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे ये गलत है, मैंने जजमेंट भी दिखाया हाईकोर्ट का कि ऐसा जो एक्टिविटी बिल्डर नहीं कर सकता बिना कंसर्न के, सोसाइटी मेंबर के कंसर्न नहीं कर सकता है, मगर उसके बावजूद हमारा कोई रिक्वेस्ट समझ में नहीं आ रहा है और डायरेक्टली बोलता है मैं सपोर्ट करूंगा, वो तोड़ सकता है बोले। तो पुलिस आपको ये कह रही है कि हम आपका कोई सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे बोल दिया सीधा सीधे आपको। और ये दो दिन और एक बात, दो दिन पहले सीनियर पीआर डायरेक्ट उधर पे आया भी था और तोड़ने की कोशिश किया था उधर पे, और वहाँ उसकी वीडियो क्लिप भी है मंगता, तो आपको लोगों ने निकाला। इंक्वायरी होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और डीजी और कमिश्नर को दी जाए, हमारी ये मांग है, नहीं तो हम सब लोग वहाँ खड़े रहेंगे। मैंने लेटर लिखा है मेल भी तोड़ने के लिए, इंशाअल्लाह ताला मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे, मस्जिद को कभी कुछ हुआ तो हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा अल्लाह का घर है। लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे इंशाअल्लाह, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस रहेगी, सीनियर रहेगी। उनसे ये नहीं कहा कि आप कोर्ट से जाके बात कीजिए, उन्होंने वो सीधा कोई कोर्ट से नहीं बोले, मैं डायरेक्ट आज सैटरडे संडे सब बंद है, लॉकडाउन का एडवांटेज ले रहे हैं, तो मैं अभी वहाँ पर वो सीपी ऑफिस भी सब लेटर मैंने मेल किया। आपका लेटर बताओ, आपका लेटर बताओ जो आपने सीपी ऑफिस को भेजा है, और आपका जो कोर्ट हाई कोर्ट का जो जजमेंट बताओ, कोर्ट से आगे है क्या ये पुलिस, वो मुझे देखना है। देखो मैंने ये लेटर अभी रात में बैठ के रात के 2 बजे बैठ के बनाया है मैंने ये लेटर, और ये मैंने सबको दिया हुआ है, ये पकड़ना जरा क्यों, ये देखिए लेटर मैंने सबको दिया, होम डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस, और देखो मेरा कंप्लेन देख लीजिए, सिंपल है, जिसमें मैंने लिखा है इलीगल एक्ट्स कमिटेड, अब्दुल साजिद हाजी उसका नाम है और उसका ग्रुप का नाम वो शेड निकाल रहा है। सेकेंडली मेरा कंप्लेन उनको प्रदीप तिदा सीनियर इंस्पेक्टर को भी लिखा है मैंने, स्पेसिफिक लिखा है, और ये लोग आ रहे हैं, और देखो ये पैरा नंबर इसी लेटर में मैंने पैरा नंबर 17 और 18 में मैंने स्पेसिफिक लिखा है कि इनको सपोर्ट इलीगली तरीके से आप कर रहे हैं। मेरा पैरा नंबर 17 में देखेंगे आप तो मैंने स्पेसिफिक लिखा पैरा 17 में, बिल्डर और अकम्पनीड बाय प्रदीप तिदार पुलिस स्टेशन केम टू द सोसाइटी बिल्डिंग में आया, मैंने स्पेसिफिक लिखा है उसमें उनका फुल सपोर्ट हो रहा है, इसलीए ये हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इलीगल एक्ट नहीं हो, मगर फिर भी हमारी बात रिक्वेस्ट सुनी नहीं जाती है। आप सबकी मांग क्या है, इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, इनकी इंक्वायरी बिठाइए बिना कोर्ट के ऑर्डर, बिना कुछ के, डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर सपोर्ट कर, इसकी इंक्वायरी कौन, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर और अपने पुलिस कमिश्नर न्यू बॉम्बे करेंगे, समझे क्या, नहीं तो हम लोग इधर आके आंदोलन करेंगे, इधर आके हम लोग सब इधर आके पुलिस के सामने धरन पे बैठ जाएंगे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले भी बिल्डर ने किसी के ऊपर फॉल्स केस करा दिया था, यहाँ फिर से उसकी यही प्लानिंग चल रही है कि कुछ मेंबरों पे फॉल्स केस करो, उन पे प्रेशर डालो और उनको हटाओ साइड से करके, यहाँ का पूरा बिल्डर पूरा प्लॉट को खाना चाहता है, इन लोगों सबको भगा के करते, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह के रहा की जीती होगी इंशाल्लाह। लॉकडाउन में नहीं अलाउड है, हाईकोर्ट का जजमेंट बताओ, हाईकोर्ट का जजमेंट बताओ, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट बताओ, 15 जुलाई 2020 तक जो है ना कुछ भी नहीं करने का ऐसा स्टेटस को बोला है, कोई भी निकालना तोड़ना नहीं करना, तो फिर ये पुलिस जो ये बराबर दिख रहा नहीं है बीच में, ये पुलिस मैनेज लग रही है मुझे तो बहुत, मुझे बातचीत से समझ में आ रहा है बहुत गलत हो रहा है। आपका कहना ये है कि आपके बातचीत से आपको ये समझ में आ रहा है कि पुलिस आपको कोई कॉर्पोरेट नहीं करना ही चाह रही है और बिल्डर का सपोर्ट, और इसके यहाँ का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो इसका जवाबदार यहाँ के सीनियर पीआई होंगे और यहाँ वो बिल्डर होगा, बहुत कोशिश की है मगर हमारी रिक्वेस्ट तो कोई माना नहीं जा रहा, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। ये जो मस्जिद है अब उसके अटेंडेंट है बराबर है, ये किधर है, कौन से प्लॉट में पूरा इसका ये बताओ, सेक्टर 35F खारगर है, प्लॉट नंबर 6 और 7 है, प्लॉट नंबर 6 और 7, नाम क्या है वो टावर का, रूबी अपार्टमेंट, रूबी अपार्टमेंट, रूबी अपार्टमेंट नाम है उसका। आप कभी से रहते हैं रूबी अपार्टमेंट में, ये हम लोग 2009 से रह रहे हैं, 2009 से रह रहे, आप उसके टेनेंट है, ओनर है, मतलब ओनर है, ऐसा आपके कितने मेंबर है उसमें रहते, ऑलरेडी अभी 30 मेंबर है हम लोग, 30 मेंबर ऑलरेडी रहते हैं उसके अंदर, मतलब उन लोगों का फ्लैट है वहाँ पे, फ्लैट है, और आपका रेंट कितने साल से नहीं दिया उसने, रेंट हमारा 2 साल से नहीं दिया, 2 साल से नहीं दिया, और मस्जिद में नमाज तो चालू थी पहले से, मस्जिद में नमाज चालू थी, तो अभी कल आके विदाउट नोटिस ये करके आपके ये तोड़ने देख रहा है बराबर है, वो जबरदस्ती आके, मतलब पुलिस क्या कर रही है कि जबरदस्ती आके वहाँ पे बोल रही है कि हम तो इसको हटाएंगे, और हम बांध काम अभी हुआ है कि पहले हुआ है वो देखने के लिए हम लोग आए,
मैं उसके बाद उसने आपको नोटिस दिया क्या? कुछ नहीं दिया और हाई कोर्ट का ऑर्डर है जुलाई 31 तक कुछ एक्टिवेशन नहीं कर सकते कोई भी। और वो किसको लगता है? बीएमसी महानगर पालिका सेट को लगता है। हाँ, ये इलीगल एक्टिविटी कौन कर रहा है? पुलिस बिल्डर के सपोर्ट में आके कर रही है, बिल्डर के सपोर्ट में आके कर रही है। और ये बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है हाजी अब्दुल, नाम है इसका। हाँ, अब्दुल साजिद नाम है। हाँ, और मेगा ग्रुप का है, मेगा ग्रुप का बिल्डर है। हाँ। और उसके पहले जितने सबको सब उसके पे केसेस है, सबके ऊपर पहले अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो पहले के बहुत केसेस निकलेंगे। और मतलब कोई टेंडर उसके आगे नहीं जाता तो उसके नाम पे झूठी FIR करवाता है, फॉल्स केस लगाता है, धमकी देता है। मतलब ये मतलब बहुत बड़ा जो मांगते हो करवा सकता है। हाँ, ये जबरदस्ती क्या है, इसका काम क्या है? खाली लोगों को डराना, गरीब लोगों को, और उनसे क्या जबरदस्ती फ्लैट खरीदना, ये उसका काम है। ठीक है, अंदर पहले वाले को। अरे तो तेरा प्लॉट तेरा है क्या? नहीं, नहीं, मालिक मैं हूं ना, प्लॉट का मालिक इल्लीगल है, मालिक इल्लीगल है। अरे तू कोर्ट में जाना इल्लीगल है, कोर्ट में तू भी कोर्ट में जा, तो कोर्ट में जाना भाई, इल्लीगल है। जाओ ना, जा पहले मीडिया में डालूंगा, आराम से बात करो।